नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आज हम बात करेंगे शौचालय अनुदान योजना के संबंध में। जी हाँ, बिहार शौचालय अनुदान योजना के संबंध में आज हम बात करेंगे। शौचालय अनुदान योजना के लिए जो है कि ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। यदि आप शौचालय अनुदान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सरकार आपके खाते में 12,000 रुपये भेजेगी। इसके लिए जो है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। तो कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे इसकी पूरी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में देंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, शौचालय अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा spm.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक भी हम जो है कि अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जब spm.gov.in सर्च कीजिएगा तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आइएगा और इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ आइएगा तो आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर HHL। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा और इस पेज पर आप चले आइएगा। यहाँ जो है कि सिटीजन रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना होगा। और इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। और आपके मोबाइल आपका नाम इसमें लिखना होगा जो आपका नाम है। और उसके बाद मेल है कि फीमेल है आपको जो है कि टिक करना होगा। यहाँ जो है कि आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा, स्टेट आपका फिल रहेगा और सिक्योरिटी कोड जो है कि इसमें डालना होगा। और उसके बाद जो है कि सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ जो है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया, आपका मोबाइल नंबर जो है कि आपका आईडी हो जाएगा और जो है कि लास्ट 4 डिजिट जो है उसका वह पासवर्ड हो जाएगा। तो इसको ओके पर क्लिक कीजिएगा और जो ही आप ओके पर क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है कि लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा और यहाँ जो है कि आपको लॉगिन करना होगा। तो मोबाइल नंबर आपका हो गया और जो है कि 4 डिजिट का जो पासवर्ड है वह है आपका जो है कि 4 डिजिट जो आपका अंत का मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट वह जो है कि आपका पासवर्ड हो जाएगा। तो यहाँ जो है कि आपको कैप्चा डाल के और साइन इन करना होगा। यहाँ जो है कि आपको पासवर्ड चेंज करना होगा, जो पासवर्ड आप बनाए हैं वह जो है कि चेंज करना होगा। तो सबसे पहले ऊपर पुराना वाला पासवर्ड डालना होगा और नीचे जो है कि नया पासवर्ड हमको चयन करना होगा, चुनना होगा और उस पासवर्ड को डालकर और कंफर्म करना होगा। तो आपको जो है कि चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। जो ही आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक कीजिएगा तो आप जो है कि सक्सेसफुली आपको यह जो है कि लॉगिन कर देगा। तो आप इस पेज पर चले आइएगा, इस पेज पर आप चले आइएगा और इस पेज पर आने के बाद में आपको जो है कि यहाँ 3 लाइन मिल रहा है, यहाँ बगल में इस 3 लाइन पर आपको देखना है। तो इसमें जो है कि आपको न्यू एप्लीकेशन का जो है ऑप्शन मिल रहा है, व्यू एप्लीकेशन का जो है कि ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपने एप्लीकेशन को जो है कि कैसे देख सकते हैं, जो आप आवेदन कर दिए हैं उसकी स्थिति क्या है। और उसके बाद चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल रहा है। तो अभी हम नया आवेदन करना है तो नया आवेदन के लिए जो है कि न्यू एप्लीकेशन पर हम क्लिक करेंगे। न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है कि आपका
जो है कि पेज खुल कर आ जाएगा, जिसमें जो है कि स्टेट का नाम आपका पहले से सिलेक्ट रहेगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है कि आपको सिलेक्ट करना होगा, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ हम सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है कि आपको ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करना होगा, तो हम जो है कि ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको पंचायत का नाम सिलेक्ट करना होगा, पंचायत का नाम सिलेक्ट कर देते हैं। गांव का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद हैबिटेशन नेम जो है कि आपको सिलेक्ट करना होगा, जो कि गांव का ही नाम है। और जो है कि यहाँ पर नाम ऑफ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एज पर आधार कार्ड, यहाँ जो है कि आपको आधार कार्ड इंटर करना होगा, यहाँ आधार कार्ड का नाम इंटर करना होगा। यहाँ जो है कि फादर्स नेम एंड हस्बैंड नेम, पति या पिता का नाम इंटर करना होगा। यहाँ जो है कि आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद में जो है कि कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप APL हैं, BPL हैं, जो भी हैं आपको जो है कि सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में सब कैटेगरी में आपको जो है कि ST ST जनरल क्या है आप, वह आपको जो है कि सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना होगा, ईमेल आईडी है तो सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। यहाँ जो है कि आपको अपने बैंक का IFSC कोड जो है कि सिलेक्ट करके और नो योर IFSC कोड पर सिलेक्ट कीजिएगा, तो बैंक का नाम सारा डिटेल जो है कि यहाँ आ जाएगा। तो अभी जो है कि हम किसी का अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद जो है कि यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके आपको जो है कि पास जो आपके बैंक पासबुक का प्रथम छाया प्रति है उसको जो है कि इस पर अपलोड करना होगा। इस तरह से सारा कुछ भर के और अपलोड कर दीजिएगा, वह जो है कि अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच कर रखिएगा तो वहाँ से भी अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद में जो है कि यहाँ अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा तो आपका अप्लाई होकर चला आएगा। लेकिन जो है कि यहाँ आपको सबसे पहले हम बता दें कि आपको आधार नंबर वेरीफाई करना होगा। ऊपर जो है कि आप अपना आधार कार्ड नंबर डालिएगा और इसको वेरीफाई कीजिएगा। यदि आपको शौचालय नहीं मिला होगा और वेरीफाई हो जाएगा तभी जो है कि आपका आवेदन आगे प्रोसेस में जाएगा और सबमिट हो पाएगा। और यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस आवेदन को करने से पहले आपको शौचालय होना चाहिए। यदि आप शौचालय बनवा लिए होंगे तभी गवर्नमेंट जो है कि आपको शौचालय का पैसा अनुदान के रूप में देगी, अन्यथा जो है कि शौचालय बनवाने से पहले पैसा सरकार यहाँ नहीं देती है। तो यह सारा प्रोसेस आप समझ चुके होंगे, हमने आपको बता दिया कि किस तरह से जो है कि आप ऑनलाइन आवेदन करके शौचालय का अनुदान जो 12,000 रुपया है उसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।